हरियाणा के शेर मीडिया चैनल देखने वाला है ना भाई प्रीतम नागर की, राम राम। तो आज हम बैठे हैं भाई पीपली गांव में। आपने पता लग गया होगा भाई इलेक्शन चल रहे हैं सरपंच जी के। तो भाई पीपली गांव में आ रही है बीसी के अंदर सरपंच जी, और भाई महिला के अंदर आई है, या जो महिलाएँ उठेंगी भाई पीपली गाँव के अंदर जो सरपंच जी का पद है वो महिला में आया भाई। तो बात करते हैं भाई कैसे क्या विकास करवाएंगे, कैसे नहीं करवाएंगे भाई, गांव वाले कितने सपोर्ट में कितने ना है भाई, कैसा लग रहा है कि भाई गाँव वाले साथ में हैं या नहीं है भाई, वो बातें करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी एक बार हमारे दर्शक ने अपना शुभ नाम बता दो जी। सोनिया गोड। तो एक बार अपना परिचय ऐसे दे दो भाई, कैसे क्या कैंडिडेट खड़े हुए हो सरपंच के बारे में। बीसी वर्ग से जो सरपंच की सीट आई हुई है उससे उसमें ना कैंडिडेट का नाम है। अच्छा जी। तो जी हमारे दर्शक आपसे आज उम्मीद लगा रहे हैं, गाँव वाले महिलाएं भी हैं, तो क्या आश्वासन देना चाहोगे महिला को। जी सुविधा पते जी करवाना चाहूँगे। अच्छा जी। जैसे बारहवीं ताई का स्कूल करवा देंगे, जो बच्चे गरीब बच्चे होते हुए बाहर नहीं पढ़ने जा सकते जी। तो ये बारहवीं ताई का स्कूल हो जाएगा जी। उनकी शिक्षा अच्छी चलेगी, सिलाई सेंटर आ जाएंगे गांव में, और भी जो होगा उस बच्चों के लिए या फिर लेडीज़ के लिए सबके लिए करेंगे जो जितना ज़्यादा होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ बैठे हैं भाई सुनील मास्टर जी, जो कि भाई सरपंच साहब बनी हैं, उनके हस्बैंड हैं, तो भाई फुल सपोर्ट में हैं, तो बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। तो जी आपने एक बार परिचय हमारे दर्शकों ने जरूर दी हो। मैं सुनील कुमार जयबिटी अध्यापक हूँ, और जो भावी उम्मीदवार है उनका पति हूँ सोनिया गोड का, और वो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। तो जी गाँव वाले आप आस उम्मीद घनी टेक रहे हैं भाई, सुनील भाई उठ रहा है सरपंच जी में, हमारे लिए यो करवाओगा भाई, रजिस्ट्री बनवाओगा भाई, जो प्लाट कट रहे हैं उनकी भाई उड़ा प्लाटा में भाई उड़ा बिजली लेगा होगा, ये करेगा वो कर, तो उनकी आस उम्मीद आप कितना के खराब हो गया। आप जितनी उन आस लगा रखे ना भाई साहब, उनसे ज़्यादा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसे बिजली पानी, और हमने गांव में घूम के भी देखा है, पानी तो मीठे की सप्लाई करवाएंगे पूरे गांव में। अच्छा। क्योंकि इस पानी तो सभी को चाहिए। और जैसे बिजली है, जैसे प्लॉट कट्टे वहाँ उधर कॉलोनी में, तो उनको एक गली है, बिजली है, पानी है, सभी सुविधाएँ प्रदान करेंगे। और जैसे गाँव में और भी अनेक सुविधाएँ हैं वो लाएंगे, जैसे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, ब्यूटिशियन का है, और टेलरिंग का है, और स्कूल को जो है तक का अपग्रेड कराएंगे। हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। गांव का कोई भी बच्चा जैसे नशे की लत में पड़ता है, तो उनको भी इनसे अवॉइड करने के पूरी पूरी हम समय समय पर सेमिनार भी लगवाएंगे गांव में, तो ऐसा ना हो कि किसी के बच्चे का भविष्य खराब हो। हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा गाँव एक स्वच्छ निर्मल और शिक्षित गाँव बने। हम जितना भी हो सकेगा हर तरह का प्रयास करेंगे गाँव के विकास के लिए। तो मास्टर जी एक आधा गांव वाला फेट जाए अगर है, आप भी जाते हो कि भाई वोट दिए, तो एक आधे ना पास उम्मीद भाई सुनील भाई तेरे पास उम्मीद है, तू हमारा यो काम करवा देगा इस तरीके से, मतलब कितना क्या आश्वासन दवा हुआ भाई ने। भाई साहब देखो, जो जायज डिमांड होंगे ना सभी की, सबको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और जो जैसे जो रामनिवास भाई थे पहले सरपंच, उन्होंने जैसे भी इलेक्शन में जो वादे किए थे वो तकरीबन पूरे हो गए, और जो रह गए ना अधूरे उनको पूरा करेंगे, और उससे आगे भी इसको सिलसिले को ऐसे ही बरकरार रखेंगे ताकि हम गाँव का जितना भी विकास हो सके हम पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे पूरा। तो भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं एक सरपंच रामनिवास जी, करेंगे भाई रामनिवास सरपंच जी। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहोगे रामनिवास भाई। देखो जो काम रहे हैं वो हमें इनसे उम्मीद है, और इनके साथ मिलके करवाएंगे, और इनका हमारा इनके साथ फुल सपोर्ट रहेगा। तो आपने कैसे क्या सोची भाई फुल समर्थन देने की, भाई सुनील भाई ने फुल समर्थन दूँ। हमें पता है, हमें देखें और भी कैंडिडेट हैं, मेरे बाद भी दो तीन कैंडिडेट रहे हैं, उनसे काम नहीं हुए हैं, गांव वालों ने भी देखा है उनको, उनसे काम नहीं हुए हैं। हमें ऐसा लग रहा हम करवा लेंगे भाई, मास्टर हमारी मानता भी है, और ये जो भी कैंडिडेट है इसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी पूरी सलाह मशवरे से ही चलेगा, और जो भी गाँव वालों का काम होगा हम करवाएँगे। तो रामनिवास भाई आपके पास सुनील भाई आए होंगे, तो आपने क्या लगा कि भाई सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाई, क्योंकि आदमी देखा है आदमी की क्या लाया अगर है, तो आपने क्या देखा कि भाई सुनील भाई की सपोर्ट करनी चाहिए। देखो गांव वालों ने भी देखा है, मास्टर के प्रति काफ़ी लगाव है गांव वालों का भी, हमारा भी काफ़ी लगाव है, इसीलिए हमने सोच समझ के ही कदम उठाया है।
तो रामनिवास भाई ईब के हमारे तरफ देखा लाग रहे हैं, तो कित समर्थन में ईब देखा लाग रहे हो भाई, सीधे से दिया समर्थन में हो भाई के साथ में, तो आगे के आश्वासन दिलाओगे भाई? गांव के अंदर जो भी काम रहे हैं ना, गांव वालों ने जो बोलेंगे वो काम ही होगा, ये हमारा वादा है और पहले भी वादे पूरे किए हैं, अब भी पूरे ही होंगे। तो आपने कमेंट में बताना है, हमारे साथ राम निवास सरपंच भी हैं जो कि भाई फुल सपोर्ट कर रहे हैं साथ में। आपने पता लग गया होगा भाई अगर राम निवास ने कैसे काम करे थे, तो राम निवास से सपोर्ट में खड़े हैं सुनील मास्टर गए थे, ये कैसा काम करेंगे तो आपने भाई पता लग गया होगा। तो राम निवास साथ में है, तो जितने मेरे भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो जितना भी हो, और भाई आगे जो भी भाई की साथ में है उन कैंडिडेटों ने भी दिखावेंगे। तो जितने मेरे भाई जुड़ रहे हैं तो सारे राम राम, क्या कहना चाहोगे जी लास्ट में? राम राम। और जो भाई आपने ऐसा लगा कि हाँ भाई ये बंदा जो हम चुन रहे हैं ये विकास कार्यों में हमारी मदद करेगा, हमारा सहयोग देगा और हमारी जो वो आशाएँ हैं उनको उन पर खरा उतरेगा, तो भाई साहब आप जरूर अपना आशीर्वाद और वोट सहयोग जरूर दें हमें। तो कदगी के वोट बैठ कदगी के पड़ेंगे ये भाई साहब 12 तारीख जो नवंबर की है उसको मतदान होगा, और मेरे सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर ये अपील है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर मतदान करें। तो गणखरे भाई हैं हमारे 18 साल तले 19 साल के 20 साल के गणखरे की वोट ना बन रही, तो वोट बैठ बनवानी क्यों होता है? वो एक 8 नंबर फार्म भरा जाएगा उसी दिन, और उसमें दो अपनी आईडी ले जाएंगे, फोटो वाली आईडी ले जाएंगे अपना, अच्छा। फोटो और वहीं जाकर 8 नंबर फार्म जमा हो जाएगा और उसकी वोट डल जाएगी। हाँ अच्छा, तो भाई वोट बनवाने की जरूरत ना है, जो मास्टर जी ने बोलिया वो अपना ले जियो। तो राम राम भाई, और आगे अपना दिखाओगे गांव में भी जाएंगे भाई, गांव वाले एक ही राय हैं सुनील भाई के प्रतीक। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाने वाला ना भाई प्रीतम नागर की, राम राम भाई।